प्रार्थना सभा में कांग्रेस अग्रणी सलमान खुर्शीद, अर्जुन मोरवाड़िया विशेष उपस्थित रहा हता। तेमज आगेवाणोए मुरहम अमीर पटेल ने श्रद्धा सुमन पाठवी तेओना कब्र ऊपर फूलनी चादर अर्पण करी हती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना दिग्गज नेता अने भरूचना पोनौता पुत्र मरहूम अहमदभाई पटेलनी आज रोज त्रीजी पुण्यतिथि निमित्ते तेओना वतन पीरामण गाम खाते प्रार्थना सभा योजाई हती। प्रार्थना सभा में कांग्रेस अग्रणी सलमान खुर्शीद, अर्जुन मोडवाड़िया विशेष उपस्थित रहा हता। तेमज आगेवाणोए मरहूम अहमद पटेल ने श्रद्धा सुमन पाठवी तेओनी कबर ऊपर फूलनी चादर अर्पण करी हती। आ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भरूच जिला कांग्रेस समिति प्रमुख परिमल सिंह राणा, अहमद पटेल पुत्र फैजल पटेल, पुत्री मुमताज पटेल, प्रवक्ता नाजू फड़वाला सहित कांग्रेस आगेवाणो अने अग्रणीओ उपस्थित रहा हता। उनका इतना गहरा संबंध हम सब से था, कांग्रेस पार्टी से था। परिवार से बढ़कर उन्होंने एक परिवार बनाया था। सबका एक अपने घर का परिवार होता है, लेकिन उस घर के परिवार जिसको हम यहाँ देख रहे हैं उससे कहीं बढ़कर उनका परिवार था। और आज तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि उनके ना रहने पर क्या होगा, क्योंकि इतनी गहरी उनकी पहुंच थी कांग्रेस पार्टी पर। और कांग्रेस पार्टी का अगर स्तंभ मान लें कि एक बहुत बड़ा स्तंभ कांग्रेस पार्टी का वो रहे, जबकि वो आगे बहुत कम आते थे, नुमाया बात को बहुत कम करते थे, जो कुछ करते थे वो चुपचाप बिना किसी तारीफ के, बिना किसी बात के वो करते थे। लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर आप पूछें कि तुम्हारी जिंदगी पे किसका असर पड़ा है, तो वो नाम अहमद भाई का ही लेंगे। तो अब इस ऐसी स्थिति में हम कहें तो क्या कहें। उनको रिप्लेस करने के लिए या उनकी जगह कोई और आ सके, हमें तो ऐसा नहीं लग पा रहा है। ऐसा अब ऊपर वाला क्या कुछ करता है, कब करेगा, कैसे करेगा, कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो आज हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई और शख्स ऐसा आ सकता है जो उनको रिप्लेस कर सकता है, उनकी जगह ले सकता है। सर, अहमद पटेल जी ने अपने परिवार को पॉलिटिक्स से जोड़ रखा है, अभी उनके परिवार को आगे कैसे फेस करेंगे, कांग्रेस के साथ लाना चाहते। देखिए, ये सारे मामले उस चीज में आ जाते हैं जो मैंने कहा कि अहमद भाई का एक घर का परिवार था, जैसे सबका होता है, आपका है, हमारा है, लेकिन एक बड़ा परिवार था और वो परिवार कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी में जो उनकी जगह रही है, थी और हमेशा रहेगी, वो कांग्रेस पार्टी उनकी नज़र में क्या करती, कैसे करती, ये फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। हम तो सिर्फ उनको आदर्श मानकर और उनके एहसान मानकर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका जो घर का परिवार है उसको कभी ऐसा ना लगे कि वो घर का ही परिवार सीमित हो गया, वो उनके बड़े परिवार का हिस्सा है। अच्छा सर, आगामी लोकसभा में अगर अहमद भाई पटेल की पुत्री या फैसल का कोई भी नेता लड़ना चाहे तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उनको फैसल, आप इनको लड़वाना चाह रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं ये हमारे लिए आके कैंपेन करेंगे। बताइए, हमसे छीन ले रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और सर, ये जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं अन्य राज्यों में, उसमें कांग्रेस किस प्रकार से जीत पाएगी, मुझे कैसे रहेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, हम जीतेंगे। और कहीं पर अगर जैसे मिजोरम वगैरह है, वहाँ पर हम मानिए पीछे रह जाते हैं, जीत से पीछे रह जाते हैं, तो हमारा प्रभाव वहाँ पर जो भी आगे चलकर सरकारें बनेंगी उसमें हमारा प्रभाव बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, पीएम जी ने ये टिप्पणी अभी क्रिकेट के बारे में, कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, जो एक टीम है, ऐसा कुछ कहा था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज का दिन ऐसी बातों पर कोई टिप्पणी करने का दिन नहीं है। आज अच्छी अच्छी बातें करें, वो याद करें जो हमको अहमद भाई दे गए हैं, आज वहीं तक सीमित रखें। यकीन अगर आप माने तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। आप खास करके यहाँ अंकलेश्वर भरूच में जिस भी जगह जाऊं, जहां पे भी जाऊं, आप देखेंगे कि उनकी छाप कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। आप किसी स्कूल में जाएं तो बोलेंगे ये क्लासरूम उनके ग्रांट से बनाए, आप किसी गार्डन में जाएंगे तो बोलेंगे ये उनके ग्रांट से बनाए, आप किसी गांव में जाएं तो बोलेंगे ये सड़क उनकी ग्रांट से बनाए।
तो मैं जहाँ जाऊँ उनकी याद हमेशा रहती है, पर ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं है, बिजी है और आएंगे बहुत जल्द। પણ હજી કોઈનું મન માનતું નથી કે આપણા બધાની વચ્ચે નથી, એમના અવાજના ભણકારા સતત વાગતા રહેતા હોય છે, અને રાજનીતિક જીવનની અંદર, પબ્લિક લાઈફની અંદર ઘણા લોકો આવે છે અને જાય છે, એ પોતાના યુગનું કામ પૂરું કરી અને નીકળી જતા હોય છે। અહેમદભાઈ એવા યુગ પુરુષ હતા કે એના ભાગમાં આવેલી જવાબદારી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ બધી જગ્યાએ નિભાવી, પણ એ જે હૃદયથી બધાની સાથે જોડાયેલા હતા, એટલા નજીકથી જોડાયેલા હતા કે જેટલા મુમતાઝ અને ફૈઝલની સાથે જોડાયેલા છે, એટલા જ નજીકથી એને મળનારા દરેકની સાથે જોડાઈ જતા હતા। એટલે એટલો એનો ખાલીપો આજે વ્યક્તિગત રીતે અને સામૂહિક રીતે બધી જગ્યાએ લાગે છે। દિલ્હીમાં હોય કે ગુજરાતમાં હોય, એની જગ્યા લઈ શકે એવા પ્રેમાળ વ્યક્તિત્વ આજે મળવું ખૂબ મુશ્કેલ છે, અને અહેમદભાઈનો ગુજરાત અને સ્પેશિયલી ભરૂચ માટે તો એટલો આગવો લગાવ હતો કે ભરૂચના લોકો આજે પણ એમને ભૂલી શકતા નથી, ગુજરાતના લોકો કે હિન્દુસ્તાનના લોકો, અને એમનો ખાલીપો છે દરેકના જીવનમાં જીવનભર રહેવાનો છે। થેન્ક યુ। હર કિસી કા સપના હોતા હૈ એક ખૂબસૂરત ઘર, હે ના? તો ઉસી સપનો કા ઘર સજાને કે લિયે ભરૂચ મેં હૈ ઇન્ટીરિયર વર્લ્ડ। યહાં આપકો છોટે સે છોટે વોલ પીસ સે લેકર ક્રોકરી ઓર પેઇન્ટિંગ તક હોમ ડેકોર કે સારે ઓપ્શન મિલ જાયેંગે। લિવિંગ રૂમ ડેકોર કરના હો, બેડરૂમ યા ફિર કિચન, યહાં આપકો સબ કુછ મિલ જાયેગા। યહાં હૈ વેરાઇટીઝ ઓફ એક્સક્લુસિવ વોલ ક્લોક્સ, વોલ પીસીસ, બોનસાઈ ટ્રીઝ, डेकोरेटिव फ्लावर वास, कैंडल्स, सेंटर टेबल और भी बहुत कुछ। और आइडल्स में गणेश जी, राधा कृष्ण जी और बुद्धा मूर्तिज के यूनिक एंड अट्रैक्टिव वेराइटीज यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पे एलिगेंट क्रॉकरी ऑप्शंस भी हैं, जिससे आप अपने रूटीन लाइफस्टाइल अपग्रेड और अपने गेस्ट को इम्प्रेस भी कर सकते हो, जिसमें अट्रैक्टिव ट्रीज, कॉफी मग्स विद पोस्टर्स, कप, ग्लासेस, सारी चीजें एकदम एक्सक्लूसिव है। शॉपिंग के लिए यहाँ डिस्कशन एरिया भी है, जहाँ बैठकर आप सुकून से अपने घर के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने सपनों का घर डेकोर करके उसमें चार चांद लगाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें इंटीरियर वर्ल्ड, ब्लू चिप कॉम्प्लेक्स, सेवाश्रम रोड, भरूच।